कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विश्व भूगोल का, विश्व भूगोल के बारे में, जो महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। अपना जो पहला महाद्वीप रहेगा वो एशिया रहेगा। टोटल 7 महाद्वीपों में धीरे धीरे हम सभी को बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। उसमें हम 3 चीज़ें प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, जैसे कोई नदी है, कोई पर्वत है, कोई पठार है, या कोई झील है, या कुछ कोई देश है, ठीक है। उनकी तुलना करनी है कि विश्व में क्या बड़ा है, एशिया में क्या बड़ा है और भारत में क्या बड़ा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। इसके साथ क्या पढ़ेंगे हम? एशिया महाद्वीप के पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप के कुछ उपनाम है, जैसे इसे बोलते हैं सूर्योदय का महाद्वीप। क्या बोलते हैं? सूर्योदय का महाद्वीप, क्योंकि जापान, आप सभी जानते हो कि जापान को क्या बोलते हैं? सूर्योदय का देश बोलते हैं। और जापान कहाँ है? अपना एशिया महाद्वीप में। इसी कारण इसे क्या बोला गया है? सूर्योदय का महाद्वीप। सभी धर्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सभी धर्म। इसीलिए इसको बोलते हैं सभी धर्मों की आर्द्रभूमि। क्या बोलते हैं? सभी धर्मों की आर्द्रभूमि, या कहें कि सभी धर्मों का यहां पर क्या है? आदर सत्कार किया जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो कुल विश्व का 30.5% है। क्या है? कुल विश्व का क्षेत्रफल कितना है इसका? 30.5% है इसका, एशिया महाद्वीप। इसके बाद बोलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। क्या बोलते हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। जनसंख्या कितनी है? 2 बड़े देश, एक चीन, दूसरा भारत, दोनों कहां है? एशिया महाद्वीप। कुल विश्व की 60% जनसंख्या कहां निवास करती है? अपनी एशिया महाद्वीप के ऊपर। कुल विश्व की 60% जनसंख्या कहां निवास कर रही है? अपनी एशिया महाद्वीप। आगे देखिए, इसका जो नंबर आता है और इसके उपनाम क्या है? महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप। क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ा होने का और क्षेत्रफल ज्यादा होने का इसे क्या बोला गया है? महाद्वीपों का महाद्वीप। अब हमने तुलना करनी है इसके अंदर कि कौन से कहां कैसे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं नदी के बारे में। इसके बारे में नदी के बारे में हमने देखना क्या है? एक तो विश्व की प्रमुख नदी या लंबी नदी या चौड़ी नदी, फिर हमने देखना है एशिया महाद्वीप की प्रमुख लंबी चौड़ी या लंबी नदी, और फिर हमें देखना है भारत के बारे में कि भारत की कौन सी नदी कहाँ है। सबसे पहले हम आते हैं लंबी नदी पर। किसके आ रही है? लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी है? नील नदी। इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? नील नदी, 6,650 किलोमीटर। यह पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप। फिर बात आती है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांग टी सी क्यांग। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? यांग टी सी क्यांग। इसकी जो लंबाई है वो 5,551 किलोमीटर बनेगी। दोस्तों 5,551 किलोमीटर। फिर बात होती है भारत की नदी। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और इसकी लंबाई रहती है 2,525 किलोमीटर। और पीछे जो एग्जाम हुआ है इसमें एग्जाम में पेपर में बहुत बार आया हुआ है गंगा नदी का, कि गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। तो गंगा नदियाँ पढ़ेंगे भारत की, उसमें हम डिटेल करवाएंगे पूरी गंगा के बारे में। तो दोस्तों ये कह रही लंबी नदी, कहाँ की लंबी नदी? विश्व की, एशिया की और भारत। अभी हमने देखना है कि सर्वाधिक चौड़ाई वाली नदी कौन सी, सबसे चौड़ी नदी, या ये वे नदियाँ जिनसे सर्वाधिक क्या है? सिंचाई। विश्व की सबसे चौड़ी है अमेजन।
सेंटीमीटर चौड़ी मिट्टी कौन सी है? अमेरिका। लंबाई है 6570 किलोमीटर, बड़ा हमने क्या चौड़ी। क्वेश्चन इनका पूछा था कि विश्व में सर्वाधिक अपवाह द्रोणी कौन सी है, सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी यानी कि सर्वाधिक सिंचाई वाली नदी कौन सी है, तो वो कौन सी रहती है अपनी? अमेज़न। एशिया, एशिया में हवांग होती है, कौन सी है? हवांग। तो ये चीन में है और चीन का इसे शोक भी क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये चीन में है और चीन का कैसे शोक भी है। अब बात आती है कि भारत की थोड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों भारत की थोड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत की थोड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, फिर आपका आएगा गंगा। सिंचाई में कौन सी आगे है? गंगा आगे है, परंतु चौड़ाई में विड्थ में क्या है अपनी? ब्रह्मपुत्र। नदियां हुई अपनी एक चौड़ी और दूसरी लंबी। विश्व की हमने पढ़ी, साथ में एशिया महाद्वीप की पढ़ी और साथ में पढ़ी भारत की नदियां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ना रहेगा वो रहेगा जिलों के बारे में। कौन सा रहेगा? जिलों के बारे में।